इतिहास के टॉपिक में जो दिल्ली सल्तनत है उसमें कौन कौन से वंश हुए थे उनके बारे में बहुत संक्षिप्त ट्रिक के माध्यम से बता रही हूँ। प्लीज फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिए ताकि इस क्लास में हमारा जो टॉपिक है ये बिल्कुल क्लियर है हो जाए। आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश कि कौन कौन से वंश हुए हैं और उनका कार्यकाल क्या है और पहले कौन सा वंश आया और बाद में कौन सा वंश आया। इसके लिए देखो एक बहुत शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई है दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंशों को याद करने के लिए। वो ट्रिक है गुलाब खिला तो सैयद लौटा। बहुत इजी ट्रिक है गुलाब खिला तो सैयद लौटा। खिला तो सैयद लौटा। सैयद लौटा। देखो मात्र 5-6 मिनट के अंदर आपको ट्रिक से जो वंश बनेंगे मैं उनको क्लियर करा दूंगी। प्लीज आप वीडियो को ध्यान से और एंड तक जरूर देखिए। तो हर एग्जाम में लगभग यहाँ से क्वेश्चन है लगभग पूछा जाता है तो अब आपका फिर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ट्रिक हमारी गुलाब खिला तो सैयद लौटा। पहले हम वंश पढ़ेंगे और उनके बाद में उनका जो समय रहा है वो क्या क्या रहा है। देखो ट्रिक में एक नंबर पे हमारा है शब्द गुलाब तो इस गुलाब से जो वंश बनेगा वो वंश है गुलाब वंश। गुलाब से कौन सा वंश बनेगा गुलाब वंश। उसके बाद शब्द आता है हमारे खिला। कहता है खिला इस खिला से बनेगा फ्रेंड्स खिलजी। इस खिला से क्या बनेगा खिलजी वंश जो दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश हो गया है। उसके बाद है हमारा तो से बनेगा हमारे तुगलक। तो से बनेगा तुगलक वंश। और आगे देखिए फ्रेंड्स 5 मेन वंश हुए थे इसके अंदर हमारे 3 हमने लिख लिए हैं और अगला शैयद है शब्द है हमारा शैयद तो इस सैयद से बनेगा हमारा सैयद वंश। 4 नंबर पे सैयद वंश। एक शब्द हमारा और बच गया है लोटा और इस लोटा से हमें केवल लो ही अक्षर लेना है। टा को आप गोला लगा दो फिर टा से कुछ नहीं बनेगा और लो से हमारा 5 नंबर पे आएगा लोधी वंश। क्या है हमारा 5 नंबर पे लोधी वंश। और फ्रेंड्स हमारा पूरा का पूरा जो दिल्ली सल्तनत है उसके जो वंश है वो समाप्त हो गए हैं। दिल्ली सल्तनत के जो पूरे के पूरे 5 वंश है वो समाप्त हो गए हैं। जो हमारे ट्रिक में है गुलाब खिला तो सैयद लौटा। गुलाब खिला तो सैयद लौटा इसमें 5 वंश दिल्ली सल्तनत में जो 5 के 5 है हमारे इस ट्रिक में आ गए। अब हम देखते हैं कि इनका जो कार्यकाल रहा समय रहा वो कब से कब तक रहा। देखो पहला वंश है गुलाब, दूसरा वंश है खिलजी, तीसरा तुगलक है, चौथा सैयद है और 5वां वंश कौन सा है लोधी। अब हम इनका कार्यकाल देखते हैं कि सल्तनत काल की स्थापना कब हुई और सल्तनत काल कब से कब तक रहा और कौन सा वंश कब से लेकर के कब तक उसने भारत को प्रशासन किया। सबसे पहला वंश हमारा गुलाब वंश जो ट्रिक के अनुसार है फ्रेंड इसकी जो स्थापना है वो 1206 में हुई थी और 1290 तक रहा। ईस्वी में कर लेंगे आप 1206 से लेकर के और 1290 तक भारत में किस वंश का शासन रहा था सल्तनत काल था और वंश कौन सा था गुलाम वंश। उसके बाद देखते हैं हम दूसरा है खिलजी वंश। खिलजी वंश देखो जहां से पहला वंश समाप्त होगा वहां से दूसरा जो वंश है वो शुरू होगा। तो ये 1290 से और 1320 तक रहा। इस वंश के शासकों ने जो शासन किया था भारत में वो 1290 से लेकर के और 1320 तक। तीसरा है फ्रेंड्स तुगलक वंश 1320 से लेकर के और 1398 ईस्वी तक। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो आपको इस टॉपिक को ध्यान से देखना है। 3 वंश हमारे कंप्लीट हो गए। चौथा वंश है हमारा सैयद वंश। अब सैयद वंश है 1398 से शुरू होगा और 1451 तक चलेगा। 1358 से शुरू हो करके और 1451 तक इसका समय रहा है। और 5वां जो हमारा लास्ट वंश है लोधी वंश वो 1451 से शुरू होगा और लास्ट जो चलेगा ये 1526 तक चलेगा। ये 1526 यानी 1206 से लेकर के और 1526 तक भारत में जो शासन रहा था वो कौन सा था दिल्ली सल्तनत का रहा था। और दिल्ली सल्तनत में प्रमुख जो वंश हुए थे वो कितने थे 5 थे जिनके लिए हमने ट्रिक पढ़ी है गुलाब खिला तो सैयद लौटा। ये क्रम भी हमें सही ढंग से इसी तरह से याद करना है जैसे कि मैंने आपको बताया है। आगे मैंने इनका कार्यकाल लिख दिया है कि कब से कब तक किस वंश का शासन रहा है। फ्रेंड्स अब हम आगे देखते हैं कि 1526
1526 में हमने इसे समाप्त कर दिया है, तो 1526 में भारत में जो वंश आ जाएगा वो मुगल वंश आ जाएगा, और मुगल वंश की जो स्थापना है वो बाबर के द्वारा 1526 में की गई थी। मैंने छोटे से टॉपिक के माध्यम से आपको दिल्ली सल्तनत बताया है। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच।